जेल के। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के किस अजकिस नशस्तस मज तारि वन वाल इस्तकबाल तो खैर मकदम रिच रिश्त रहमच वमेद तो बारगाह रबुल आलमीन मज यह दुआ उस गफूर रहीम कि सान सारे कबीरा तो सगीरा यम गुनाह तमन गाफ़ी चूंकि आज कल मगफरत आयाम चलान इन मंगो अल्लाह ताला कि खता गगजिश ग तम सारे मंगो माफ़ी आमीन या रबुल आलमीन। नाज़रीन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के कोशिश करान ब्रॉडर डायमेंशन में वसी दायरन में पेश करनिश कोशिश करान तवे गाहे लोलिक तो मोहब्बतिक अफसान हेत यवन तो गाहे फहमो इदराकिक पैमान हेत यवन तालीम व तरबियत के सामान हेत यवन तो गाहे अज़राए तफन्नुन तिम चीज त पेश करान यम से दिलजोई गसान या यम से जज़्बात निगरी त गसान तो अस यम सारी सूरत आसान बसूरत मेहमान शख्सियत अस तशरीफ फरमा आज त मेहमान शख्सियत तो हजब मामूल आज तो रोजो मेज़बान तुंदिस खदमत मज बज बट तो मे लर लुर दोश बदोश आज मैं फरह बख्श सी बेन फरह जैदी। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पूछा तो नहीं लेकिन मैं भी बखैर आफियत हूँ। गुड मॉर्निंग जैन के देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामईन को मेरा भी प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बसेहत तो सलामत होंगे और रोज़े जो हैं आपके वो अच्छी तरह से गुजर रहे होंगे। और बिल्कुल बजा फरमाया नियाज भाई ने कि मगफिरत का अशरा जो है वो चल रहा है और अल्लाह ताला से हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की मगफिरत करें और हमें जो है नेकियों की ओर रागिब करें। और दोस्तों, आगाज़ में आपको मौसम और ट्रैफिक के हवाले से प्रोग्राम में जानकारी दी जाती है और आज महकमे मौसमियात से ये इतला मौसूल हुई है हमें कि श्रीनगर में दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी और दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान हैं। और जम्मू की और चलें तो जम्मू की बात की जाए 23 डिग्री सेल्सियस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं और जम्मू में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने के इम्कान हैं। और वहीं महकमे ट्रैफिक से इतला मौसूल हुई है कि छोटी गाड़ियों को आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। वहीं SSG रोड छोटी गाड़ियों के लिए करगिल से श्रीनगर के लिए खुला है और मुगल रोड वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है। ताहम हर दिन की तरह आपसे गुजारिश है कि आपके स्क्रीन पर चंद नंबरात दिए गए हैं, कट ऑफ टाइमिंग्स और मजीद जानकारी के लिए आप इन नंबरात पर राबता जरूर कायम कर सकते हैं। जी नियाज भाई, शुक्रिया इन इंफॉर्मेशन के लिए। जी, लेकिन बात यह कि अखबार पे जो खबर आई कि शूटिंग स्टोन्स रेन अलोंग द T5 टनल साउथ पोर्ट, जी जी, अभी जी, भी इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है हमें, कि जब आप सफर करें तो आप जो TCU रामबन है या TCU श्रीनगर जम्मू जहां से भी आप सफर कर रहे हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि ये रोड अभी कंस्ट्रक्शन में है तो उसके बाद ये जरूरी बनता कि कभी भी ये शूटिंग स्टोन्स से ट्रैफिक मुनहदम हो जाता है। बिल्कुल। और नियाज भाई, आपने बात की कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौयत से नौयत के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन होते हैं प्रोग्राम के। कभी हम एजुकेशन को लेके बात करते हैं, कभी प्रोग्राम इतना स्पेसिफिक होता है कि कोई खास दिन होता है। और देखिए कि हर दिन हर चीज़ कायनात में जो है एक नई नौयत या नई जिद जो है वो इख्तियार करती है, चीज़ों में बदलाव आता है।
और वही हाल जो है एजुकेशन सिस्टम का भी है। बेशक। आप देखिए अपना वक्त याद करें, मुझे तो नहीं मालूम आपने मश्क लिखी है या नहीं लिखी है। नहीं, मश्क तो नहीं लिखी, इतना पुराना हूं नहीं मैं। लेकिन मैंने जरूर लिखी है। मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ा करती थी वहां मश्क लिखते थे, नहीं और मश्क, मश्क से लेकिन मश्क आकर फिर देख कैसे कैसे धीरे धीरे जो धीरे है धीरे हम चेंज कागज सा पर और बिल्कुल। कलम से लिखने लगे और अभी स्क्रीन्स पर कंप्यूटर्स पर लिखने लगे। तो यानी ये तब्दीली जो है अगर हम इसमें अडेप्ट नहीं करते करेंगे, तो शायद हम इतने आगे इवॉल्व नहीं हो इवॉल्व नहीं पाते। हो जाएंगे। ये जी सही बात है। अगर इस पेटिम दहुल नजर त्रावो पेटिम दहन वरियन मंस एजुकेशन किम तकाल शी तिम कित बिल्कुल कहीं गई तब्दील। बिल्कुल मे पन वक्त याद पेवान सान वक्त सान वक्त ब्रोह उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आसान, सु गो कम्प्लीट तम पत चेंज इन टू ए ट्रिपल, बिल्कुल बिल्कुल तम पत बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस तम बिल्कुल पत सी टी, पत नीट, पत जेई, वन जेई मेंस, वन जेई एडवांसड, राइट मुख्तलिफ चीज़। इसलिए ज़रूरी कि अस पज रोजुन नाजरीन बिल्कुल हम आहंग जमान बिल्कुल सजन तम सारी तकाज जानी तो तमो सन पान गाश रुम वक्ती तकाज आसन खूसन तलीम तकाज आसन फरा यह कह अक्सर वह कि तम लूख मेहनत करान मगर तिमन मन कह लूख तम मेहनत कर तम तीस असल कामयाबी हासिल करान कि तमुक असल वजह गाइडिंग काउंसलिंग या बिल्कुल सही बिल्कुल वक्त पे सही फैसल नियुन कि बिल्कुल मे क्या पज करुन तो मे जी क्या पज न करुन कह। जी हालांकि अगर तिज एबिलिटी या तिज नॉलेज वो सो तीसी बराबर आसान यस बेस तम स्टूडेंट्स बराबर ये असल एग्जाम्स क्वालिफाई आसान बिल्कुल करनी, सही तवे नाजरीन सी यह कोशिश आसान कि वक्तन फवक्तन दिमो तिमन अरबाब अहल अकदन तिमन जिम्मेदारन ये प्रोग्रामस मज दावत यम एजुकेशन की बदलविन तकाज यम नई प्रोसीजर्स तम जानने खातर अजकिस ये प्रोग्रामस मज आज अस दावत दिसमस दोन मेहमानन बिल्कुल अमन सठा मशकूर सठा ममनून तमो अन आज योर दावत तमो बिल्कुल तशरीफ आज योर सानिस दावत बख्शुक इज्जत तशरीफ फरमा मे दशनि तरफ इंजीनियर फिरदौस अहमद इतु सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अस्सलामु अलैकुम फिरदौस अस्सलाम साहब, वालेकुम सर, खैर तुहुन मकदम सठा आपका सठा प्रोग्राम। खैर मकदम। सठा ही ममनून कि चूंकि रमजान कन इन अयामन जरा मुश्किल तथा सुबह योर वातन तुम आयु जी योर तथा खतरे सठा शुक्र गुजार बिल्कुल। और सानी मेरी खोर बाई तरफ। जानब जी बिल्कुल समरा शकील साहिबा हैं जो कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जे एन के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपका भी तहे दिल से खैर जी मकदम शुक्रिया है। यहाँ बुलाने के लिए मैं कभी आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा जी नाजरीन जरूर तो त्याकत शेयर के आज सठा हसीन इतफाक ये मे दशनि तरफ फिरदौस इंजीनियर फिरदौस अहमद इतु तो बे समरा जी तो बच्चे अकी कॉलेज एलमनी तैनवे फिरदौस मे सीनियर रूजमें तो समरा जी मे जूनियर रूजमें ये तो कॉलेज बहुत खुशाइंद बात है तो मैंने बेशक। सोचा कि ये शेयर करूं नाजरीन क्योंकि ये यादें बहुत अच्छी खूबसूरत रहती है कि ये तुहद ताल्लुकदार आसन तो तम आसन तह सहित तिमन सो पत कम बिल्कुल सक अलग फीलिंग अखा सो यकीन फीलिंग सो जब एब्सोल्युटली क्योंकि अक्सर ये दावा करान कि ये इल्म फहमस इदराक जज्बात निगरी तरान मानो तो आज गई जज्बात निगरी ते करो इंशाल्लाह रहमान आज अत बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अम हवाल तज कत मगर तुम जरूर मालूम नाजरीन कि तमहीदस मजे गोड़ तह तमाम कह डल वातान आज तक डल थम तैयार डॉक्टर शाइस्ता अहमद सज आवाज मज नाजरीन तुम तसु महजूज असो महजूज तमें पत ग सिलसिले कलाम शुरू सान खास मेहमान स।
नाजीन तो शुभ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के ऐसी तशरीफ फरमा इंजीनियर फिरदौस अहमद इतो सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन समरा शकील ऑफिसर ऑन ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर टेक्निकल बोर्ड चूंकि फिरदौस सब आज करो अमे हवाल कत कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अमुक मिशन अमुक विजन एडमिशन प्रोसीजर्स मुख्तलिफ चीज मजान मुख्तलिफ मरहल क्या प्रोसीजर्स क्या एडमिशन मगर बुनियादी सवाल गो कि जानो फिरदौस फिरदौस इतु तुंद जातस मुतलिक तुंद तारुफ फिरदौस अहमद इतु वनस एज काम कर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अगर मैं बताऊंगा जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा हम एक ही इंस्टीट्यूशन से हैं तीनों एलुमनी हैं हम तीनों तो वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा मैंने एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से अपना मास्टर्स किया हुआ है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग तो वो जो ड्यूरिंग माई सर्विस किया है मैंने वो तो उससे पहले मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो मैंने आईआई कोलकाता से की हुई है मैंने चार्टर्ड इंजीनियरिंग की हुई है तो उसके बाद मैंने मास्टर्स एनआईटी श्रीनगर से किया हुआ है तो मैं काम करता ही था मैं टेक्निकल एजुकेशन में स्टार्ट से ही था ड्यूरिंग माई सर्विस मैंने मास्टर्स किया हुआ है तो मैंने अपनी सर्विस जो स्टार्ट की है वो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटी कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटी श्रीनगर से की हुई है एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर मैंने स्टार्ट किया हुआ है देन मैं लेक्चरर हुआ मैंने पीएससी भी किया हुआ है क्वालिफाई तो फिर लेक्चरर हुआ लेक्चरर के बाद हेड की पोस्ट भी मैंने ली है फिर प्रिंसिपल की पोस्ट भी मैंने ली है उसके बाद में अब पिछले लगभग दो सालों की सेम एज ए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अब फील्ड में जाके इंजीनियर में जाके उस्तादी आपने चूज की इसके कोई खास वजह मेरा स्टार्ट से ही ऐसा था कि मैंने फील्ड में भी एक दो इंटरव्यू दिए है दोनों बार मैं सिलेक्ट हुआ हूँ फील्ड में लेकिन मेरा ये था कि मैं कुछ आगे पढ़ना चाहता था तो अगर मैं फील्ड ज्वाइन किया हुआ तो मुमकिन नहीं था शायद मैं मास्टर्स नहीं करता तो ये मेरी एक वजह थी और दूसरा में ये था कि मैं जब पढ़ता था मैं किताबों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा करता था तो मेरा स्टार्ट से ही था कि मैं टीचिंग फील्ड में ही मैं जाऊं चलो इसलिए मैंने टीचिंग सिलेक्ट किया जी बहुत अच्छा लगा सर सुन के क्योंकि किताबों से रगबत होना ये बहुत कम लोगों को आज के दौर में होती है समरा जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई कहाँ से आपने पढ़ाई की क्योंकि प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन जो है हमारे मेहमान के मुतल्लिक ये जरूर जानना चाहते हैं तो आप भी मुख्तसरन अपने बारे में हाँ जरूर मेरी पैदाइश यहीं श्रीनगर में ही हुई है एंड उसके बाद मैंने इब्तदाई तालीम जो है मैलनसन गर्ल्स स्कूल से हासिल की है और उसके बाद मेरा जैसे नियाज साहब ने बताया पहले ही एनआईटी श्रीनगर से मैंने बीटेक किया है एंड आफ्टर दैट मैंने एमटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी किया हुआ है फिर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ जेकेपीएससी के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू तो तब से मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ तो पिछले एक साल से मैं एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में हूँ खैर वन गो असली मौजूद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या हिज कारदगी क्या तुंद दायरे अमल क्या विजन क्या तुंद मिशन क्या तुंद ऑब्जेक्टिव मेन मैंडेट जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का है हमारा ये है कि स्टार्ट में जो था स्टार्ट से जो था बोर्ड ऑफ एक तो इवेल्युएशन हमारा था एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट ये तीन थे लेकिन 2021 से हमें और एक चीज ऐड हुई है वो एडमिशन्स का हुआ है पहले ये एडमिशन्स प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एंट्रेंस किया करते थे तो 21 से गवर्नमेंट ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को यानी कुल मिलाकर ये चार चीजें हम देख लेते हैं एक तो इवेल्युएशन एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड एडमिशन कॉमन चीजें हैं एडमिशन या ये हम एडमिशन्स हम प्योरली फॉर पॉलिटेक्निक सेक्टर के लिए करते हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस अक्रॉस जे एंड के हैं हमारे नए भी खुले हैं पुराने भी हैं उन सबों का जो भी एडमिशन है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ही देखता है अच्छा उनका एडमिशन 2021 से अभी तक हमने पिछले दो एडमिशन किए हुए हैं तो इस बार हम और एक एडमिशन करने जाना 2023 का तो खास बात इसमें यह है कि ये एडमिशन हम अंडर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 की है एनईपी 2020 जिसको कहते हैं जो रिसेंटली इंप्लीमेंट हुई है हर जगह तो अभी नहीं हुई है अभी प्रोग्रेस है तो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है इसको इन लेटर एंड सेपरेट में तो उसके तहत हम ये एडमिशन 2023 का इस बार करने जा रहे हैं जिसके लिए हम नोटिफिकेशन इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ मई से हम इशू कर देंगे एडमिशन के लिए एडमिशन की नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट कर देंगे
तो उसके साथ इनका हम जो जो भी पॉलिटेक्निक का इंटरनल जो भी असेसमेंट एग्जामिनेशन का होता है, सेमिस्टर एग्जामिनेशन को हम कहते हैं, तो वो बोर्ड ही करता है जी। उसका फिर रिजल्ट भी हम ही प्रिपेयर करते हैं, इवेल्युएशन भी हम ही कराते हैं, इवेल्युएशन के बाद हम रिजल्ट्स प्रिपेयर करके डिक्लेयर करते हैं। साथ साथ हम आईटीआईज का भी रिजल्ट का डिक्लेयर करते हैं, उनका आईटीआई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट जो है अक्रॉस जे एंड के जितने भी हैं उनका जो भी एग्जामिनेशन है और रिजल्ट डिक्लेरेशन वो भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करता है, लेकिन उनका एडमिशन हम नहीं करते हैं, वो डायरेक्टरेट लेवल पे होता है, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट उनका एडमिशन, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनका एडमिशन। चूंकि आपने बात की पहले कि यह इस कहीं अस्त मालूम यह बोपी कान बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, वन चूंकि एडमिशन आव तुहंदिस दायरस मन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तुम बढ़ेव जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी क्या आई दिन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बोपी उस एडमिशन कान तुम तम पे रेगुलेट कर एग्जाम रिजल्ट या बाकी चीज मरहल अत मन तो तुम क्या आव एडमिशन दिन क्या फायदा आव सोसाइटी। यह असल सवाल करो यह क्या आव बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या आव यह एडमिशन दिन यह प्रोफेशनल एंट्रेंस बोर्ड उस तुम क्या आव दिन असाव अमे मूजूब दिन कि यह आव वह कि पतिम जन पतिम अकव ब्रोट चोर वरी कंटिन्यूसली तुम्हें मज एडमिशन डिक्लाइन गुमत बन गुमत दिन पत् क्या गवर्नमेंटन सोच कि क्या करो इस पान एडमिशन वो हेकवा इनक्रीज नंबर ऑफ एडमिशन करें ना सो अकॉर्डिंगली तो ये जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दे दी गई और हमने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है, जिसमें समरा मेरे साथ बैठी है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसने भी मेहनत की है, हमारे एडमिशन ऑफिसर है शौकत अहमद है वो अभी अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो वो भी हमारे साथ होते, उनको हमने दे दिए जिम्मेदारी, ने बहुत ही मेहनत की है और हमने इसका रिजल्ट भी अच्छा आया कि हमारा जो एडमिशन पीछे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस करते थे तो उसके अगेंस्ट जो हमने एडमिशन किया वो हमने 100% एडमिशन पिछले दो सालों में किए। अच्छा, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द टोटल जो चला गया था 60% पे, डिक्लाइन बिल्कुल डिक्लाइन हुआ था सर। इनफैक्ट बहुत खुशाइन बात है और हमें उम्मीद है कि एडमिशंस जो हैं इस साल इंशाल्लाह बढ़ेंगे, और ये भी सुनने में आया है कि एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करने वाले चंद इदारों में से एक इदारा जिसने पहल की है वो ये भी है। और समरा जी आपसे जानना चाहेंगे, सर ने एडमिशंस की बात की और इस साल के एडमिशंस की भी बात की, ये कौन से कोर्सेज हैं जिनके एडमिशंस होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, उस हवाले से जानकारी दीजिए। बेसिकली हमारे काफ़ी कॉलेजेस हैं J&K में जी। तो अगर हम कश्मीर की बात करें यहाँ पे भी 10 है और हमारे जम्मू में भी वैसे ही है, जम्मू डिविजन में भी जी। तो हर कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज है हमारे पास, तो अराउंड 26 to 27 डिफरेंट कोर्सेज है हमारे इंस्टीट्यूट में जिनके लिए डिप्लोमा लेवल पे एडमिशन होता है, इट्स अ 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स। तो इसमें डिफरेंट है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है हमारा, कंप्यूटर्स है, ENC, इलेक्ट्रिकल, जो भी फील्ड्स है मुख्तलिफ फील्ड्स, और उसके साथ साथ इसमें कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं यहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे, जैसे हमारा गारमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हो जाता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में हो जाता है, हाँ, लेदर टेक्नोलॉजी, वुड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे कोर्सेज। इन एडिशन टू दिस हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हमारा ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमारी 100% प्लेसमेंट्स हो जाती है बच्चों की, जो ही वो पास आउट हो जाते हैं 100% ये प्लेसमेंट्स हो जाती है एकदम जी। तो हमारे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जहाँ पे ये बच्चे जो है इसमें डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उनकी मर्जी है, चाहे वो फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहे या वो कहीं प्लेस होना चाहे जी। आपको मैं यहाँ पे ये जरूर बताऊं कि हमारे जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स हैं, तो इनके अपने अपने नोडल ऑफिसर्स हैं। एक तो जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स में बच्चों को हम कोर्स के दौरान ही ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी, और फिर प्लेसमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, हाँ जी, या जिन्हें हम कैंपस ट्रेनिंग्स के लिए, नहीं बेसिकली ट्रेनिंग्स टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे, या जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या इलेक्ट्रिकल वाले होंगे उनको पावर ग्रिड्स भेजेंगे, सो दैट दे विल गेट टू नो एक्सपोजर मिले, ताकि उनको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिले। बिल्कुल जी। हम प्लेसमेंट्स के हवाले से और भी जानेंगे, लेकिन एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आफ्टर 10th जो है बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर MLT जो हमारा कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें आफ्टर 12th हो सकता है, एंड आफ्टर 12th लेकिन मेडिकल फील्ड्स बैकग्राउंड से, बाकी 10th में आफ्टर 10th बच्चे कोई भी डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट
उनके प्लेसमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मेरिट के बेसिस पे उनकी नहीं, टेंथ की उनके मार्क्स के मार्क्स जी के बेसिस। तो इसका अगर हम फिर दोस्त आप ये जानना चाहेंगे कि साद अल्फाजन में एडमिशन प्रोसीजर क्या अच्छा फॉर्म भरुन ऑनलाइन कर क्या प्रोसीजर ताकि अत न वाश वजाहत वन वे सी नाजरन आमन तय कम तकन अप्लाई कर। बिल्कुल बिल्कुल, एडमिशन के लिए ऐसा है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक अपना पोर्टल है, अपना सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है, उस पर इनको रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। जो भी बचा है इस पर एलिजिबिलिटी ये है कि जैसे अभी समरा ने बताया मैट्रिकुलेट होना चाहिए, टेंथ पास होना चाहिए, मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम गसन 35% मार्क्स। बिल्कुल, ये तो पहले 40 था, फिर ये नीचे हमने कर दिया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोच लिया तो फिर हमने 35% कर दिया है। तो 35% मार्क्स जिस बच्चे के भी होते हैं वो एलिजिबल बन जाता है फॉर डिप्लोमा एडमिशन लेने के लिए। तो जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो हमारी वेबसाइट ऑन रहती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उस दौरान वो ऑनलाइन अपनी डिटेल्स फॉर्म भर देते हैं ऑनलाइन में, फीस भर देते हैं, जो भी होता है मिनिमम नॉमिनल नॉमिनल होता है वो, तो वो भर के उसके बाद जब इसका टाइम डेडलाइन खत्म होता है फिर हम एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसमें चॉइस होती है। हाँ, उसमें चॉइस होती है बच्चे के लिए ये कौन सा कोर्स करना चाहता है, किस कॉलेज में करना चाहता है। जैसे समरा ने बोला कि हमारे जेएनके में अक्रॉस में 10-10 कॉलेजेस हैं और भी दो कॉलेजेस हैं, तो जिनका कमांड हमारे पास नहीं है सब, यहाँ पर आईयूएसटी में एक कॉलेज है जो आईयूएसटी ही वो एडमिशन करती है, बाबा गुलाम शाह बादशाह में एक हमारा कॉलेज है, लेकिन उनका एडमिशन वही कर लेते हैं। हम एक तो जेएनके का करते हैं और साथ में यूटी ऑफ लद्दाख का भी करते हैं, कारगिल एंड लद्दाख में जो दो कॉलेज हैं उनका भी एडमिशन हम करते हैं। यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो यूटी है जेएनके के लिए खाली नहीं है, ये लद्दाख के लिए भी अभी जब तक वो अपना कर लेंगे। बिल्कुल, तो ये जब प्रोसेस पूरा होता है, लड़का फॉर्म फिल कर लेता है, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट फ्रेम करते हैं, बोर्ड करता है फ्रेम लिस्ट, और उसी आधार पे जिस बच्चे ने अपनी चॉइस दी होगी, मेरी चॉइस ये ब्रांच पहली चॉइस है, पहला कॉलेज ये है, तो उसको वही मिलता है। अब जिस बच्चे को वो नहीं, उसको सेकंड चॉइस में मिलता है दूसरी ब्रांच दूसरा कॉलेज, ऐसे ये एडमिशन प्रोसेस डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ द टेंथ मार्क्स, टेंथ मार्क्स एंड परसेंटेज पर। मिसाल कैसे बच्चे परसेंटेज 60 स्लैश गोडनिक लड़के तेम से पन ऑप्शन बनो मिनी फर्स्ट को मतलब जिस गोडनिक मेरिट है तेम से मेरी गोडनिक प्रेफरेंस गोडनिक ऑप्शन गोडनिक प्रेफरेंस पन कॉलेज ते प्रेफरेंस। बिल्कुल, ये समरा ये कितन करो इस ताई के एक स्टूडेंट उस थी 10th क्लासस में दराव या तेम से देन पेरेंटन छन पाई की के काउंसलिंग या के ये प्रोसीजर अच्छा इमन कॉलेजन में या टेक्निकल एजुकेशन से बोर्ड छ के एमिस बच्चेस वनो इस से खतर कोस ब्रांच छ ठीक या कमन ब्रांचन में छ येते पागा जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस या प्लेसमेंट गसने के चांसेस छ एडमिशन गसन ब्रोह छ ये प्रोसीजर का है क्यों अशी बेसिकली अस काउंसलिंग करा अशी मन सारनी वचन अशी काउंसलिंग सेशंस बुलावा सेपरेटली या अशी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स मन गसा था अवेयरनेस करा डिफरेंट स्कूल्स एंड वंस अशी 10th लेवल मन लास्ट ईयर ती गई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन किन डिफरेंट स्कूल्स एंड मन हाई स्कूल्स एंड मन ताति कर अस ते मन अवेयर के कित पर हकन तुम करित क्या हकन एडमिशंस प्रोसीजर क्या छ बे फर्दर क्या क्या स्कोप्स यमन क्या है कि मन डिप्लोमा कर हासिल कर क्या है कनेम कर बिल्कुल ताकि बच्चा सा नाइव इतन तो हते पाए एसएल 12th कोर पास एसएस न पता है तो एंट्रेंस या एंट्रेंस इते पर छी 10th बच 10th बच बिल्कुल ही लोको टास एम इज अवेयर करने जरूरत बे यम दूर दराज इलाके मन वन ते मन छन पेरेंट्स न तेज इंफॉर्मेशन आसान कि तिम करन ते मन गाइड तो इसलिए छी ये सर्न ड्यूटी बनान के इस कर अवेयर इसीलिए मुख्तलिफ इलाकन में डिफरेंट टीम्स बनावन इम तक अवेयरनेस अवेयरनेस करन वो अवेयरनेस का काम भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करता है। जी करते हैं जी। हम आगाज में बात कर रहे थे सर कि हर चीज जो है उसमें तब्दीली आना बहुत जरूरी है, इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उस जाहिर सी बात है कि अगर एनईपी जो है इंप्लीमेंट हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जो है वो भी इन प्लेस होना चाहिए, वो भी आज के हिसाब का होना चाहिए, तो उसमें क्या इजाफा है आया है और क्या कुछ इस साल किए जा रहे हैं? बिल्कुल, उस पर ऐसा है कि अगर हम एनईपी 2020 की बात करें उसमें हमने जो पॉलिटेक्निक सेक्टर के सिलेबस था जो पहले उसको हमने रिवाइव किया है एज पर एनईपी 2020 बनाने के लिए। उसमें ऐसा हमने किया, हमने उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे डाले जिनको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स अदर देन द इंजीनियरिंग ट्रेड जो है अपने सब्जेक्ट्स के बाहर, जैसे हम इंडियन पॉलिटी की बात करें ठीक,
इकोनॉमिक्स की बात करें या मेडिकल एजुकेशन की बात करें, ऐसे कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है ताकि ये बच्चा जो भी इंजीनियरिंग पढ़ेगा इसके साथ साथ ये कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो इसको बाहरी वर्ल्ड में काम आ जाएंगे। राइट, यानी ये ओपन इलेक्टिव्स अदर देन एक तो इलेक्टिव्स है ही, एक तो अपने इलेक्टिव्स है ओपन, इन एडिशन टू दैट इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स एज पर एनी 2020 गाइडलाइंस के हिसाब से ये एड किए हुए हैं हमने, जो भी सिलेबस हम रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त। अभी हमने दो सेमेस्टर का सिलेबस बनाया है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, जो हमारा जो इस वक्त का एडमिशन है ये नया एडमिशन ये एनईपी 2020 के तहत ही हुआ है, जो इस वक्त ऑन रोल्स है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जो ये सिलेबस ले रहे हैं ये एनईपी 2020 का सिलेबस ले रहे हैं, इससे क्या होता है जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कल को ये बच्चा से डिप्लोमा करके, जैसे समरा ने बताया, हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे, डिग्री कर लेंगे, डिग्री में भी इनको एनईपी 2020 में और भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इनको ऐड करके कल को ये डिग्री करके ये चाहता है मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दूं। उसको जो वहां पर प्रिपरेशन करनी होती थी इसने ऑलरेडी की हुई होती है, जैसे इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, वही तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वहां पर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ये तो उसने ऑलरेडी पढ़े चुके होते हैं यहाँ, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्कुल हॉलिस्टिक, यस डेफिनेटली हॉलिस्टिक। या कभी कभार ऐसा भी होता कि किसी का शौक ऐसे है कि उसे इंजीनियरिंग के साथ शायरी पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल वो भी ले सकता है, वैसी चीज है क्योंकि ये एनईपी का ऐसा ही हिसाब है कि इसको एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्कुल ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, ये बच्चे को ओपन चॉइस दी गई है। अब ऐसा है कि अभी आप पूछेंगे भाई अगर आप इंडियन पॉलिटी इनको पढ़ाएंगे या इकोनॉमिक्स इनको पढ़ाएंगे या हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपके इंस्टीट्यूशन में ऐसे टीचर्स है नहीं, वो सही बात है, लेकिन इसीलिए एनईपी 2020 ने एक एबीसी पोर्टल बनाया है। अच्छा। जो इनका अकाउंट बनता है उसके तहत क्या करते हैं ये पहले उनमें रजिस्टर करते हैं बच्चा, जब उसमें रजिस्टर होता है फिर क्या करता है ये ऑनलाइन लेक्चरर्स लेगा। अच्छा, ठीक। इसके ऊपर प्लेटफॉर्म जो है उस पर ये क्या करेगा, ये लेक्चरर्स आउटसाइड ले लेगा, ऑनलाइन लेक्चरर्स लेगा, वहीं पर इसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक। जो जो पोर्शन सिलेबस का इसने कवर वहां से किया है वो इवेल्युएट करके इसके एबीसी पोर्टल के थ्रू बोर्ड में आ जाएगा। हमारा जो बाकी इवेल्युएशन पार्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगा, इसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। यानी ये परेशानी नहीं है कि भाई टीचर नहीं हमारे पास तो इसलिए बच्चे को ये सब्जेक्ट नहीं देना है। अब बच्चे जो भी चाहेगा, मतलब अभी हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं, 10 बच्चे चाहेंगे हिस्ट्री पढ़ना, 10 बच्चे चाहेंगे पॉलिटी पढ़ना वो पढ़ सकता है, 10 पढ़ते हैं वो ये पढ़ेंगे, जो जिनकी मर्जी है। हाँ, इनका जो टीचिंग जो होगा जो ऑनलाइन होगा, इनकी जो इवेल्युएशन होगी ऑनलाइन होगी, तो वो बोर्ड तक पहुंचेगी थ्रू डिजिटल वॉकर, हमारे पास आ जाएगा। जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इनका रिजल्ट बनाएंगे। ये एनईपी 2020 एक नया मोड दे दिया है एजुकेशन को, बहुत ही आसान बना दिया है, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम देखेंगे बच्चे को सीखने के लिए बहुत कुछ दिया गया। एनईपी पे हम मजीद बात करेंगे क्योंकि ये एक वसी ऐसा मौजू है जिस पर और हम चाहेंगे कि हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है जो उसने एनईपी के साथ कैसे एक हमांगी पाई है, तो हमें क्या फायदा इससे स्टूडेंट, लेकिन आपकी इजाजत से हम चंद अखबार की सुर्खियां नाजरीन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी फरहान, मैं चाहूंगा कि आप शुरू कीजिएगा, अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। जी नाजरीन, और मेरे पास अभी एक अंग्रेजी रोजनामा है जिससे चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। एक ये कि शूटिंग स्टोन्स रेन अलोंग T5 टनल साउथ पोर्टल, जैसे सवेरे ही हमने कहा फ्रेश रेन्स ब्रिंग डाउन टेम्परेचर्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। और इसी अखबार से ये सुर्खी कि सैफरन सर्ज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स कॉस्टलियस्ट स्पाइस ब्रिंगिंग चीयर्स अमंग कश्मीर सैफरन ग्रोअर्स। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिरून मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है। एलजी मुतहदा अरब अमारात का अमार ग्रुप श्रीनगर के सेमपोर में 250 करोड़ रुपए का मेगा मॉल कायम करेगा। एक और खबर इसी अखबार से, लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर इक्तिसादी तौर पर बेहतरी की तरफ गामजन, रवां बरस के आखिरी तक 19 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी। जी फरा जी, और मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिससे चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। श्रीनगर में 500 करोड़ रुपए की लागत से अजीम शान माल तामीर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुतहदा अरब इमारात की एक कंपनी के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए हैं। और इसी अखबार में ये सुर्खी भी शाया हुई है कि मोदी जी तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे, अमित शाह कहा पटना में अवामी रैली से खिताब, महागठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। मेरे पास उर्दू अखबार है,
लिखते हैं कि अदवियात की कीमतों में 12% इजाफा, रेट लिस्ट 1 अप्रैल से लागू, स्टेट मजीद महंगे होंगे। सात एक और खबर इसी अखबार से कि 7 कमसिन बच्चे और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कोरोना से मुतासर, जम्मू में अलर्ट जारी, 24 घंटों में 19 मुस्बत। जी, और मेरे पास एक आखिरी उर्दू रोजनामा है जिसमें ये खबर शाया हुई है कि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में इमसाल नमाज ईद का एहतमाम होगा, दरख्शां अंद्राबी। जी, मेरे पास आखिरी अखबार है, अंग्रेजी अखबार है, लिखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर द शीप ब्रीड रोमानो टू इंक्रीज द मटन प्रोडक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे यहाँ मटन की खपत बहुत है, तो हमें ये चाहिए कि हम इसमें खुद कफील हो जाएं। चूंकि हम बात कर रहे थे फिरदौस साहब आपसे NEP के हवाले से, NEP में ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे फरा ने आपको से पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज जो होंगे या जो NEP को असल में हमें अमलाने में मुश्किलात आएंगी अभी, या हमने जो कामयाबी पाई है उसको आप कैसे देखते हैं, आने वाले सालों में अगर देखें तो क्या हमें नजर आता है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे, हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं उनमें हमने फुली ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। उसका मेन जो क्रेडिट है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हुसैन सामून को जाता है, और हमारे डायरेक्टर हैं स्किल डेवलपमेंट को, उनको जाता है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की हुई है पॉलिटिक्स के ऊपर और उनके पीछे रहे हैं, तो उनको बहुत ही फंड्स भी अलाट किए गए हैं। इस बार उनको हर किसी कॉलेज को एडिशनल फंड्स 2-2 करोड़ के रिलीज किए गए हैं, और ये इंस्ट्रक्शन को है कि इस मार्च में ये सारा फंड्स यूटिलाइज करें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो कॉलेज में बहुत हद तक उसमें कामयाबी रहे हैं और उनने किया है। अगर मतलब और भी हर किसी कॉलेज को 2-2 बसें दे दी गई है। ये सारा जो क्रेडिट है डॉक्टर असगर हुसैन सामून को जाता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हैं, उन्होंने स्किल के लिए बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही काम किया हुआ है, तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे कॉलेज अक्रॉस J&K है उनमें फुली इक्विप्ड है, फुली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे NEP 2020 में इंप्लीमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अमली तौर है कोई इस्तेमाल असल पेटते बिल्कुल उस पर। इस वक्त हमारा CIEEE जो बारामूला में है, वो तो एक मतलब कश्मीर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर NIT के भी कुछ बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, MOU किया हुआ है, तो वहां पर हर कोई फैकल्टी मेंबर उनको डिप्लॉय किया गया है, हफ्ते में 2 बार वहां से ट्रेनिंग लेते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखेंगे हम फुली लेस्ड हैं, तो इसमें कोई कोताही नहीं है। ये सारा मैं फिर कहूंगा, ये सारा क्रेडिट हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाता है डॉक्टर सामून साहब को, कि वो सारी मेहनत उन्होंने की है, जिस वजह से अगर हम इस वक्त देखेंगे सिकल बहुत आगे चला गया है। बिल्कुल, और जरूरत भी इस बात की है कि अभी के दौर में अगर एक शख्स स्किल्ड नहीं होगा, अभी जो करंट जॉब मार्केट है नियाज भाई, उसमें आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, ऐसे स्किल्स जो अभी जरूरत है इस हवाले से, डिजिटल रेवोल्यूशन में जरूरत है। इस हवाले से मैं समरा आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल आपने भी देखा होगा, आप इंजीनियरिंग की हुई है, फिर बिट्स क्लानी से पढ़ा हुआ, और फिर उसके अलावा मशरूम कल्चर ऑफ इंजीनियरिंग इन द होल ऑफ द इंडिया, एक बंदा क्यों कर डिप्लोमा फिर करे? देखिए, डिप्लोमा एक तो हम टारगेट जो हम लेवल है हमारे स्टूडेंट्स की, हम 10th पे ही इनको ये कर रहे हैं, तो आफ्टर 10th ही इनको स्किल्स मिल रहे हैं। ऐसे हमें 12th तक वेट करना पड़ रहा था, फिर उनको देखना था एडमिशंस में ज्यादा फिर डिफिकल्ट हो जाता है कॉलेजेस में पाना। यहाँ पे जैसे फिरदौस सर ने आपको अभी बताया कि 35% बेसिक हमारी है, तो 35% बहुत ही कम है, कम है। आप देखिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आपको 35% पे तो एडमिशन देगा नहीं, तो हमारे पास काफी कॉलेजेस है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं उनका एडमिशन हो ही जाता है किसी ना किसी ब्रांच में। तो बच्चों को, ये उन बच्चों को टारगेट करेगा जिनको बेचारों को उतने एवेन्यूज नहीं होते हैं, फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ पे उनको उतना पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कैसे है एजुकेशन के लिए उतना ये नहीं है बेचारों के पास, तो ये इजी है उनके लिए इंजीनियरिंग में एक कदम रखने के लिए। सोसाइटी में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट या कुल हम डेवलपमेंट है जरूरत है, तथा खतरे से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जरूरत है इंजीनियरिंग एक स्ट्रेटा ऑफ डिप्लोमा बेस, ताकि ऐसे गैस एक बैलेंस एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर ले सोसाइटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। समरा, साथ ही ये भी बताइएगा, अब बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो ये स्किल्स हासिल करना चाहते हैं और 10th के बाद ही, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन करे, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट वगैरह हो,
लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता ऐसी एजुकेशन. तो स्कॉलरशिप्स की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूट में कैसी स्कॉलरशिप्स हैं, बोर्ड कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हमारे पास बहुत स्कॉलरशिप एवेन्यूज है बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी स्पेशली जिनकी इनकम जो है 8 लाख या 8 लाख से कम पर ईयर है, जिन फैमिलीज पर एनम एक स्पेशलिस्ट को बिल्कुल 8 लाख कम ये मन इनकम छ तीन दिखत्र छ ऐसे गवर्नमेंट एंड वेरियस स्कॉलरशिप्स थाई मत तात मन छ ऐसे गडने थी. अगर इस विच एस छ प्रगति अक स्कॉलरशिप यसी प्रगति स्कॉलरशिप छ गर्ल्स एंड खत्र राइट स्पेशली फॉर गर्ल्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स ठीक यथ फैमिली में जोर आसन या दो खुद ज्यादा कोर आसन बे इनकम आसक 8 लाख या 8 लाख खुद कम तमो आज 10th पास करमो तुम छ एलिजिबल फॉर इट. ओके तो स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीस पर ईयर वो अशी योरे तिबन 50,000 रुपीस देवा पर नखत एंड फीस छ 1,000 रुपीस ऐसे नॉमिनल फीस. तो ये छ मन एज पॉकेट मनी गसा राइट जब बाकी किताबों का खर्चा हो या बाकी खर्चा नहीं किताबों का नहीं आपको किताबों का खर्चा है ही नहीं. हमारी लाइब्रेरीज इतनी रिच है कि उनको किताबें लानी ही नहीं है उसमें उनको सारी बुक्स यहीं से प्रोवाइड हो जाए. ये उनको सॉर्ट ऑफ इट इज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्जैक्टली. तो अगर त्रेवरी कोर बच्ची डिप्लोमा को 1.5 लाख रुपीस बस योर है दिवांग गवर्नमेंट आई शुड नॉट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एम खतर तात्पर्य तुम फिल करा तो एवरी ईयर तुम निवांग 50,000 फरक द्राय अकिस कह फूट कि 10th पे बची कुन सिलाई सेंटरस पे गर कुन जाए सेल्स गर्ल बनने तथा रुपयस 5,000 या 8,000 तनख्वाह दिवान. अगर ये हिसाब करो ये वो तू बेसिकली ये स्किल मिला स्किल मिला अगर इन मोल मोज दपे तु त्रु पारुन तो तु जीन 5,000 रुपये तुम बेहतर से प्रगति के अलावा भी और भी स्कॉलरशिप्स होंगी. प्रगति ये तो गर्ल्स के लिए मैंने आपको बता दिया एक्सक्लूसिवली. उसके बाद हमारे पास सक्षम एक स्कॉलरशिप है ये बेसिकली स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है हमारा. तो बाकी क्राइटेरियाज तो सेम है, वो 10th पास होना चाहिए, 8 लाख से कम है. तो जो भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स है हमारे चाहे गर्ल्स या बॉयज उनको भी ये 50,000 रुपीज पर एनम मिलता है. तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए भी है. और हमारे पास जो भी इंस्टीट्यूट्स है सबके मतलब हमारा उनके लिए फैसिलिटीज है अवेलेबल. इट्स नॉट लाइक कि उनको डिफिकल्ट हो जाएगा फिर एंटर करना या एग्जिट करना फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. वी हैव द फैसिलिटीज फॉर देम. तो ये आ गया उनके लिए. उसके साथ साथ हमारी एक और स्कॉलरशिप है स्वयं. हाँ जी ये छिपन खतरज ये मन हिंदन पेरेंट्स एंड डेथ गई ड्यू टू कोविड यम पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह तथा मिला 50,000 रुपये पर एन एम. बिसाइड्स दैट बाकी स्कॉलरशिप्स इमन खतर अप्लाई तुम हैकन कर जैसे हमारे पास है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उसमें 30,000 रुपीज पर ईयर उनके बच्चे अगर होंगे जिम कंस्ट्रक्शन वर्क प्लम्बर आ सका इलेक्ट्रिशियन आ सके आ तीन दिन बच्चन खतर लेबर लेबर स्कॉलरशिपस बेसिकली ये तुंदी वेलफेयर बोर्ड दिवा मगर 30,000 रुपीज. एम अलाव हैकन इम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खतर ते अप्लाई करे ते ते पता आसे बिल्कुल दस वारिया बच करा तात छ 6,000 रुपए पर एनम तरह यम न हुमे खतर एलिजिबल आसन कम से कम यम मन सार नि स्कॉलरशिप चूंकि अस छुन तूत वा अगर इस मन पेट अलग अलग कथ करनी बिन पूरा प्रोग्राम अगर इमन सार नि स्कॉलरशिप न खतर अस जानकारी आसी जरूरत तुजी वेबसाइट पेट या कम आसे हां सो सर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट. खैर नाजीन यही सेन गुजारिश कि अगर तो अथ मुतलिक केन बे ती इंफॉर्मेशन आ जरूरत सो हे की वेबसाइट पेट गसे तो इमन स्कॉलरशिप फायदे. फिर दोस्तों ए आई सी टी स्टैंडार्ड्स तम मेंटेन करने खतर तिमन सत रबा तिमन सत कनेक्शन सो कम किस्म तो तुम कित तुम स्टैंडार्ड्स मेंटेन करान काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्टैचुरी बॉडी यह जन एफिलिएशन दिवान इंस्टीट्यूशन यम सा तुम एफिलिएट करान छ तेली छ इंस्टीट्यूट हेकान रन गसे तेली छ हेकान तुम इस पतमन इस्टमन एनओसी बोर्ड प्रोवाइड करान तेल पत छ एफिलिएशन गसान ते पत छ सु गसान रिकॉग्नाइज्ड सु इंस्टीट्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो यू छ मेन बेसिक एस्टुक क्या छ तेम पतन मुन इन समरा ने मुन के स्कॉलरशिप सक्षम या प्रगति स्कॉलरशिप या स्वयं स्कॉलरशिप छ
यह AIST प्रोवाइड करा एक्चुअली यह AIST पोर्टल पे स्कॉलरशिप पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रजिस्टर पान कर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर पोर्टल यल इन खतर ना बचे हंद खतर तुम एडमिशन तुम एडमिशन नो इमीजिएटली तुम रजिस्टर पान कर पोर्टल पे तुम पोर्टल पे रजिस्टर पान कर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तुम पान चेक वाता तिंदिस अकाउंट्स में जमा गा ये पोस्ट ह्यूज अमाउंट 50,000 इट्स नॉट ए जोक अगर वो दोन सेमेस्टर में करो डिवाइड पंच सा सेमेस्टर पंच सा सेमेस्टर अगर जुस रजिस्ट्रेशन फीस तुम तुझे अकवु सास किताब मन फ्री सामान वो मन बाकी मन पॉकेट मनी रोजान यानी ये एजुकेशन अगर हम देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन का एजुकेशन जो है बहुत ही फ्री एजुकेशन है नंबर ज 35% बेसिक परसेंटेज इनकी चाहिए हमें तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ये ले सकते हैं कोई भी बच्चा ले सकता है इसके साथ क्या है NEP 2020 में मल्टी एंट्री एंड एग्जिट में इसमें है बच्चा भी दो सेमेस्टर का कोर्स करके चाहेगा कि निकलना चाहिए कोई और काम करना चाहिए या कोई और कोर्स करना चाहिए उस वक्त हम इनको सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कर लेते हैं जिसकी बिना पर ये कोई स्किल काम ले सकते हैं बाहर फिर कुछ टाइम के बाद वापस आना चाहे वापस आ सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं अपना कोर्स दो साल के बाद और निकलना चाहेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलेगी फिर वापस आना चाहेंगे तीन साल कंप्लीट करके इनको डिप्लोमा मिलेगा गालिबन NEPS में ये NEP बहुत ही खूबी है NEP क्योंकि पहले ऐसा नहीं डिग्री त्रावान अच्छा इस तुम दासन रुपयन जिक्र करो फीस यह हर स्टूडेंट चाहे जनरल या चाहे बिल्कुल यह हर इक्कीस सौ कुछ रुपया है ये कोई मतलब नॉमिनल अमाउंट है यह तूता क्या सभी कोर्सेज सभी मतलब हम रन करते हैं लगभग 18 to 19 डिसिप्लिन हमारे हैं इंजीनियरिंग एज वेल एज नॉन इंजीनियरिंग जैसे समरा ने कहा इसमें गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है या MLT है नॉन इंजीनियरिंग साइड में आता है बाकी इंजीनियरिंग साइड में आते हैं दोनों के लिए सेम रजिस्ट्रेशन फीस है अगर इसमें मोटिवेशन खतर तो ये पुछो जो स्किल डेवलपमेंट एकिस कौमस मन तम तिंद नौजवान आसन कूता जरूरी तुम वसी नजर अगर नजर त्रो अनएम्प्लॉयमेंट यपर तपर तपर खुद बेहतर कि कह स्किल कोर्स कर हुनर पानस मे पैद कर ताकि सह हे पुन पान पकन पान सकन बाकन तक रोजगार फराम कर तो इसलिए स्किल मिशन वनस असल अत पार्टिसपेट कर ज्यादा वनक अगर तुम्हें मैक्सिमम बच्चे अगर तुम ये साइकेट्रिस्ट लर्न पेरेंटन बच्चे क्या सारी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक सारी डिमान या कह बच्चे ड्रगन कुन ड्रग्स कुन गए तो ये चीज खत्म करने खुद बेटर कि बच्चन स्किल्स मज अन स्किल ट्रेनिंग दिन पत हन अम फर्दर बे कह कर यूता तुम यहां पारन तूता हम पढ़ अगर डिप्लोमा लेवल पे बच्चा आता है तो ये पोस्ट डॉक्टरेट करके निकलता है आगे ये इसको एक विंडो बन जाती है आगे जाने की अगर डायरेक्टली जाएगा इसको MPS क्वालिफाई करना पड़ता है इसमें क्या है अगर ये डिप्लोमा क्वालिफाई करके ये जाना चाहता है डिग्री के लिए प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम स्पेशल स्कॉलर स्कीम जो है 1.25 लाख इनको मिलता है एक साल का ये छोटी बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PM SSS उसके तहत इनका एडमिशन सबसे रिक्रूटेड इंस्टीट्यूट में होता है ये तो फ्री में इनको मिलता है जो मेरिटोर से उनको फ्री में मिलता है यानी इनको क्या विंडो मिल गई इनको डिप्लोमा से ये गए हायर एजुकेशन में थर्ड सेमेस्टर में वहां पर भी एडमिशन और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट आ गया और वहां पर स्कॉलरशिप फ्री सारा जाता है उसके बाद ये आगे जा सकते हैं मास्टर्स के लिए जा सकते हैं PhD के लिए जा सकते हैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा सकते हैं जहां चाहे जा सकते हैं अगर डायरेक्टली ये जाएंगे ये पहले ही JEE क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सारे तो रुक जाते हैं उधर ही यानी डिप्लोमा अभी आप बोल रहे थे समरा से डिप्लोमा करना क्यों बन गया ये एक और वजह है जो वैलिड वजह है डिप्लोमा क्यों करना चाहिए बच्चे को अच्छा लेटरल एंट्री बिल्कुल लेटरल एंट्री पहले NIT या REC में हुआ होता था या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आजकल क्या पॉलिटेक्निक में भी होता है ठीक पॉलिटेक्निक में ये है कि जिस बच्चे ने 10+2 किया हो या ITI किया हो टू इयर्स का ITI तो हम करते हैं 6 महीने का भी एक साल का भी या दो साल का भी लेकिन दो साल का जिसने ITI किया हो या 10+2 का किया हो उसको डिप्लोमा लेटर एंट्री एडमिशन मिलता है थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है यानी उसको भी फायदा मिलता है 10+2 करने से उसके दो सेमेस्टर्स पहले पास हो जाते हैं या ITI करने से इसके दो सेमेस्टर जाते हैं फिर थर्ड सेमेस्टर में उनको एडमिशन मिलता है ये पॉलिटेक्निक में भी अब आगे है लेटर एंट्री एडमिशन और जैसे डिग्री में हुआ करता था पॉलिटेक्निक होल्डर जाता था उनको भी वहां पर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है इसका भी एडमिशन हम एक साथ ही करने जा रहे हैं इस बार बहुत जानकारी
बिल्कुल, और हम शायद डेट्स भूल गए, डेट्स एडमिशन की डेट्स कब शुरू होंगे, तुम कारपेट गसन शुरू फॉर्म पोर्टल कर गए ओपन सुक्रीज का। अभी आपने देखा होगा बोथ 10th एंड 12th का एग्जाम अभी चल ही रहा है, प्रैक्टिकल्स अभी नहीं हुए हैं। तो मैंने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी से बात हुई है, उन्होंने मुझे कंफर्म किया हुआ है कि एंड ऑफ जून तक उनका रिजल्ट आने की संभावना है 10th और 12th। हाँ, तो हम अकॉर्डिंगली फर्स्ट वीक ऑफ मई से अपनी नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। जिन बच्चों ने अपियर किया हुआ वो भी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। बाय द एंड जब हम एडमिशन कंप्लीट करेंगे तब तो उनका रिजल्ट आना चाहिए, तो यानी हम एंडिंग जून तक ये सिलसिला ओपन रखेंगे और इन द मंथ ऑफ जुलाई हम एडमिशन इशू कर देंगे। एडमिशन इसमें कोई वक्त नहीं है एज का। अभी अभी अगर देखेंगे आपने रिसेंटली मेडिकल में भी ऐसा ही हुआ है, जब 25 उनका सील हुआ था अपर लिमिट एज लिमिट, वो भी बार खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो डिप्लोमा के लिए पहली ही बार खत्म हो चुका था। एज बार कोई नहीं, किसी भी कोई भी जो चाहे डिप्लोमा करने के लिए आ सकता है। बाज वक्त इस कहीं गसन कि कांशो सन ग्रेजुएशन करमु तम पछु तेमस ख्याल येवान कि चूंकि मैं नस छुन में ग्रेजुएशन पर तूता पारनु कि के बहक न मास्टर्स करित के पीएचडी करित के ब कर ह तूत का कोर्स है इन स्किल डेवलपमेंट तिम ते हकन। बिल्कुल, इवन मैं कहूंगा कि अगर हम देखेंगे अर्ली 90s में मैंने देखे हैं पॉलिटेक्निक में एमएससी प्रीवियस के कुछ बच्चे कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने डिप्लोमा वहां से ले लिया। जी सर, आपने बहुत मुफीद जानकारी दी, बहुत डिटेल में जानकारी दी। एक बार नाज़रीन से हमारी गुजारिश है, अगर आप अभी प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन ये प्रोग्राम YouTube पर भी अपलोड होता है, अपने बच्चों से कहें कि वो दिन में ये YouTube पे देखें, ये सारी जानकारी जो है उनके लिए बहुत मुफीद है। और हो सकता है कि अभी जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं आगे शायद वो भी जिन्हें मालूम ना हो वो इसमें जो है रजिस्टर कर पाएंगे। बिल्कुल समरा जी, जब एक बच्चा जो है एक स्किल्ड कोर्स लेता है, जब एडमिशन लेता है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, तो उसके जहन में एक चीज होती है कि मेरी प्लेसमेंट जो है इस कोर्स के बाद इमीडिएटली हो जाएगी, तब जाकर वो डिप्लोमास में जो है एडमिशन लेता है। तो प्लेसमेंट के लिए जो है आपकी जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है? वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। जी जी, तो हर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के साथ इन टच होता है बच्चा, जो पास आउट भी हो जाए उनके साथ भी वो उनकी डिटेल्स भी वहां पे होती है अवेलेबल। तो जो ही हमारे प्लेसमेंट फेयर्स लगते हैं, रिसेंटली हमारा केजीपी में था, उसमें लगभग 20 कंपनीज आई थी जिनने बच्चों को प्लेस किया। लाइकली हमारा डिफरेंट कॉलेजेस में होता रहता है जहां पर सारे पॉलिटेक्निक्स के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो ये अक्रॉस इंडिया ये कंपनीज जो है प्लेसमेंट? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है लोकली हमारे पास बहुत कम इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। तो अब जितना भी कम कफील जितनी अवेलेबल है उनमें भी इन बच्चों का स्कोप है कि जिना कि कभी हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो हेजिटेंट होते हैं स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए। और अगर मिलती भी है जॉब उनको वो काफी कम सैलरी पे, तो उसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता है। बट तो हमारी उन बच्चों के लिए यहाँ पे जो हमारी हमारा एमओयू है इंडस्ट्रीज के साथ, जैसे फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज उनके साथ हमारे डिपार्टमेंट ने एमओयू किया हुआ है, वो फिर आते हैं उनकी इंडस्ट्रीज आती है जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, वो हमारे बच्चों को प्लेस करती है जब उनको रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ साथ जैसे आपने बताया हमारा एमओयू है विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ईडीआई, जेके ईडीआई जो हमारा है। जी, जी। तो उनके साथ भी हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, बिकॉज ये वो एज है जहाँ पे जॉब्स उतनी अवेलेबल है नहीं हमारे पास। और स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ता है। एग्जैक्टली, तो स्टार्टअप कल्चर स्टार्टअप एवेन्यूज भी बहुत है, फैसिलिटेट भी बहुत गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो हम इन बच्चों को जो है वहाँ पे ट्रेनिंग, हमारा यहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट उनका एक और है वहाँ पे प्रेस एनक्लेव में उनका ईडीआई का, वहां पे भी जो हमारा वुमेन्स पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनको हम वहां पे ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं वक्तन फवक्तन। यानी ये कह सकते हैं कि कुल मिला के बोर्ड जो है बच्चों को जॉब रेडी करता है करंट जॉब मार्केट। एब्सोल्युटली, तो पॉलिटेक्निक से निकलकर ऐसा नहीं है कि उनको फिर बोलेंगे कि हमें जी कोई एवेन्यू नहीं है बिसाइड्स हाई एजुकेशन, जैसे सर ने कहा पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, जैसे उनको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या काफी इंस्टीट्यूट्स पुणे वगैरह में है जहां पे उनको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल सकता है। इवन यहां पे आईयूएसटी लेते हैं हमारे काफी स्टूडेंट्स वहां पे अब्सॉर्ब हो जाते हैं फॉर बीटेक। उसके साथ साथ हमारा इनका प्लेसमेंट के भी काफी एवेन्यूज है कि कोई अगर हायर एजुकेशन नहीं जाना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है या अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो हमारे को उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स अवेलेबल है एंड प्लेसमेंट्स है अवेलेबल की कंपनीज। ऐसे कुछ कोर्सेज छा आईटी सेंस साइन पॉलिटेक्निक कॉलेज में
یم اسہ ایکچولی یت موروسی کار اس آسان یت کنس لیدر ہز کتھ کرو یا ووڈ کاروینگ ہز کتھ کرو یم کان ٹیکنالوجی یمن اسہ یتت اویلیبل چھ پتہ را میٹیریل چھ یت مارکیٹ تہ چھ تہ یت مز پتہ نو جدت انس ایجوکیشن یین سیت نئی جدت یین تہ تم ہکو اس بالکل ڈیولپ کر چھ یت کورسز چھ اگر اس آئی ٹی آئی سیکٹر دیکھون انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس یم اسہ جے اینڈ کے اکراس اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 53 گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اکراس جے اینڈ کے آئی ٹی آئیز کے ہیں جس میں 27 سری نگر میں ہے اور 26 جموں میں ہے اسی طرح پرائیویٹ بھی ہے سری نگر میں ہمارے پاس 15 ہیں اور 16 جموں میں ہے 60 کورسز اس میں ہم کراتے ہیں جس میں انجینئرنگ بھی ہے نان انجینئرنگ بھی ہے اور یہ کرافٹ والے بھی کورسز کی آپ ابھی بات کر رہے تھے یہ بھی ہے ان میں سے ہم نے یہاں پولیٹیکنک میں بھی ایک کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے آئی ٹی آئی کے تحت جو ووڈ کاروینگ کا کورس ہے ایسے بھی کورسز کرتے ہوتے ہیں مطلب آئی ٹی آئیز میں جس میں بہت لڑکے کام کرتے ہیں آگے جاتے ہیں اپنا وہ روزگار خود سٹارٹ کرتے ہیں خود سٹارٹ کرتے ہیں کالج میں جتنے بھی پولیٹیکنک کالجز ہیں اس میں اگر لڑکیوں کی بات کی جائے تو کتنا ریشو جو ہے رہتا ہے اور ابھی اس سال آپ کا کیا ارادہ ہے کہ گرلز کی پرسنٹیج بڑھانے کے لیے کیا کوششیں کی جائیں گی دیکھیے جیسے ہم نے بات کی ہم میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی ہم ویمنس کا جو جے کے ای ڈی آئی کا سینٹر ہے وہاں پہ تو ہمارے ایکسکلوسیولی دو کالجز ہیں ایک جموں میں اینڈ ایک یہاں پہ جو ایکسکلوسیولی فار ویمن ہے بیکاز دیر آر سرٹن فیملیز جو ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کو کوئڈ میں بھیجنے کے لیے تو ہمارا یہاں پہ گورنمنٹ پولیٹیکنیک فار ویمن بیمنا میں ہے اینڈ ایسے ہی جموں میں بھی ہے تو جہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایکسکلوسیولی ایجوکیشن اور وہاں پہ بیسٹ سے بیسٹ کورسز ہیں ان کے پاس جی تو اور لڑکیوں کے لیے وہاں پہ مین یہی رہتا ہے کہ ایلیجیبلٹی ایک تو ان کی اسکالرشپ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 50,000 پر این ایم ان کا ملتا ہے تو بسائڈز دیٹ جو بھی ان کا یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی جو ٹریننگس ہوں گی سب کچھ اس لیے ہمارا ٹارگیٹ ہے جو ہماری پرگتی اسکالرشپ ہے ہم اس سے اٹریکٹ کرتے ان فیملیز کو جو نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں آگے بڑھیں کچھ فیملیز ہوتی ہے ہیزیٹنٹ کم از کم وہ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ 50,000 روپے ہماری بیٹی لے لے گی اگر ان کو ایجوکیشن میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا کم از کم وہ بولیں گے کہ ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کو ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہو تو اس سے ایگزیکٹلی تو وہ ان کو وہ ٹارگیٹ ہے ہمارا تو انشاءاللہ اور اسپیشلی جو ہمارے باقی کالجز ہیں جن کا جو ایکسکلوسیولی وہ گرلز نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ہمارا کافی رول ہوتا ہے گرلز کا جی تو جو ہمارے دور دراز ڈسٹرکٹس میں جیسے کلگام میں ہے شوپیاں میں ہے کپوارہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا پولیٹیکنیک ہے تو وہاں پہ بھی گرلز کی تعداد جو ہے اور فردر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے جی دوست صاحب آپ نے دور دیکھا ہے ان دنوں کا جب ناگزیر حال تھی اور پھر ایڈمیشنز کے پروسیجرز ٹف تھے وغیرہ اب چونکہ بہت آسان ہے سہل چیزیں ہو رہی ہیں ایک کلک پہ سب چیزیں ہیں اور اسٹوڈنٹ کے پاس اب بہت ایونیوز ہے آپ اس بدلتے دور میں یہ امید کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے ہماری ترقی کے لیے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس کا بہتر ہونا ان میں اپنی انفرادی طور اجتماعی طور ان میں کانٹریبیوٹ کرنا ایز این ایلمنی کانٹریبیوٹ کرنا ایز اے سوسائٹی ممبر کانٹریبیوٹ کرنا ایز این آرگنائزیشن کانٹریبیوٹ کرنا کتنا ضروری ہے فار بالکل یہ بہت ضروری ہے اگر ہم دیکھیں گے 2014 میں گورنمنٹ پالیٹیکنک کا پرنسپل تھا وہاں ہم لگ بھگ ہر مہینے ایک میٹنگ کیا کرتے تھے ایلومنی کی تو ان سے رائے جانتے تھے اپنے رائز سے وہ ہمیں فیضیاب کرتے تھے اور ہم ان کے اوپر ایکٹ بھی کرتے تھے جس سے بہت ہی فائدہ انسٹیٹیوشن کو ملا اس دور میں پھر بیچ میں حالات کچھ ایسے ہوئے جن کی وجہ سے مطلب کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن بند پڑے بہت پیچھے گئے ہم لیکن اوپر والے کے فضل سے امیجیٹلی اس کے بعد یہ پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم مجھے لگتا ہے ہم اس وقت اگر ہم دیکھیں گے پہلے اس سے بہتر ہم بہت آگے ہیں ایز فار ایز دا انفراسٹرکچر از کنسرن ایجوکیشن از کنسرن اینڈ ادر تھنگس باقی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز وہاں ہے جن پہ بھی دھیان دینے کی بالکل انسٹیٹیوشن میں تو پالیٹیکنک کالج میں یا آئی ٹی آئی میں یہ چیزیں کس حد تک ڈیولپ بالکل بالکل اس میں ایک مطلب کریکولم میں رکھا گیا کو کریکولر ایکٹیویٹیز رکھا گیا اس میں بھی کریڈٹس رکھے گئے ہیں تو انسٹیٹیوشنز نے ٹائم ٹیبل بھی ویسے ہی فریم کیا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ٹائم اس کے لیے بھی رکھا گیا ہوتا ہے اس میں انڈور آؤٹ ڈور گیمز بھی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کام ہوتا ہے ہمارے پاس آخری منٹ ہے مختصر سے آپ کی آخری میسج کیا ہوگی میری میسج یہی رہے گی جو میں اس وقت سینیریو دیکھتا ہوں آؤٹ سائڈ ہمارے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بچے ڈرگس میں چلے گئے ہیں
बच्चे। पेरेंट्स से यही मेरी अपील है कि बच्चों का ख्याल रखें, उनके ऊपर फोर्स ना करें। मतलब हमें खाली दो ही लाइनें आए, दो ही डिसिप्लिन आते हैं, या तो MBBS करो या तो BTech करो, नहीं तो मारो। ऐसा नहीं है, ऐसे भी फील्ड्स हमारे पास है जिसमें लड़का एक्सेल कर सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत चीजें हैं। मतलब ये सिविल सर्विसेज है, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों को फोर्स नहीं करना है, उनको साइकेट से दूर रखना है, ड्रग से दूर रखना है, उनको वो करने देना है जो वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है वो उनको पूरा करना है। उनकी सलाह, जैसे सर ने लड़कों का टच किया एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किया, मैं यहाँ पे गर्ल एजुकेशन के लिए, जैसे मुझे फरा ने पहले पूछा, मैं बताती हूँ कि विमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक कॉमन ये है कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट जस्ट अ मैन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट एंटायर जनरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत ममनून है। नाजीन, हमें उम्मीद है कि ये आपका आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा और बहुत ही मुफीद था ये प्रोग्राम। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप अपने जो करीब है, ताल्लुकदार है, उन तक ये पहुँचाएं। यूट्यूब के जरिए हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।